कैनेडा विच पढ़ाई कर रहे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लई एक अहम खबर है। कैनेडा दे शहर ब्रैम्पटन विच अपराधक गतिविधियां विच शामिल अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नूं डेपोर्टेशन दा सामना करना पै सकदा है। यह फैसला ब्रैम्पटन विच वध रहियां हिंसा दीआं घटनावां दे मद्देनजर लिया गया है। हिंसा ते अपराधक गतिविधियां उत्ते नत्थ पाउण लई ब्रैम्पटन दे एमपीज ने इकट्ठे होके एक सांझा बयान जारी कीता है, जिस दे मुताबक ब्रैम्पटन विच वध रहियां हिंसा दीआं घटनावां दे कारणां दी जांच कीती जावेगी। जेकर इन्हां घटनावां विच कैनेडा विच अस्थाई तौर उत्ते रहे विदेशियां या अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की शमूलियत देखने नूं मिलदी है तां उन्हां नूं सीधा डिपोर्ट किया जाएगा। At the same time, I want to say this to all the international students out there. We are not labeling you guys as bad actors in our society. But we are saying this is that coming to Canada to study is a privilege. That your status in this country is temporary. That if you are convicted of a crime, you will immediately be subject to deportation. This is to ensure the safety of our country, and we will never apologize to keeping our citizens safe. इस बयान दे जारी होने तो कुछ घंटिया दे अंदर ही इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया अते ब्रैम्पटन विच वायरल हुई लड़ाई दिया वीडियोस विच शामिल विद्यार्थियों नूं भगौड़े करार करके डिपोर्ट करने की तैयारी है। इत्थे दस दईए कि कैनेडा दे ब्रैम्पटन विच वड्डी गिनती विच पंजाबी रहिंदे ने। आए दिन इत्थे सड़कां उत्ते होण वाली हिंसा विच पंजाबी विद्यार्थियों दा नां बोलदा है, पर हुण कैनेडा दे ब्रैम्पटन विच कोई भी विदेशी या फिर अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी खोरू पाउंदा देखिया गया तां उहनां नूं सख्त कारवाई ही नहीं सगो डिपोर्टेशन दा सामना करना पै सकदा है। कैनेडियन नेतावां ने इस फैसले दा स्वागत कीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जगबाणी टीवी।